हाँ बच्चे, तो अब जो अपन करने जा रहे हैं वो मेथड है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से स्क्वायर निकालना बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहली बात तो ये कि ये जो मेथड है वो तभी लगेगा जब लास्ट डिजिट 5 हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि जब अंतिम संख्या या फिर इकाई अंक वो 5 होना ज़रूरी है, तभी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का जो मेथड है वो स्क्वायर निकालने में यानी वर्ग निकालने में लगेगा। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 5। बाकी इसका जो स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा है नहीं, सोल्यूशन ये बनेगा, जैसे अपन बात करें 45 की, ठीक है। यानी कि अपन अगर को 45 का अगर स्क्वायर निकालना है तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, एकाधिकेन मतलब एक अधिक एक ज़्यादा, यानी कि 4 जो है, फर्स्ट नंबर देखो 4 है, इसको 5 को मत देखना, पहले 4 को देखो, 4 4 का एक अधिक, एक अधिक का मतलब 5, उससे मल्टीप्लाई करना। ये 5, ये वाला 5 नहीं है, ध्यान रखना, इसका एक ज़्यादा, 4 × 5 / जो 5 है उसका स्क्वायर। ये है अपना मेथड, समझ पा रहे हो। जैसे कि मैं बताऊँ आपको 10वां सॉल्यूशन अगर मैं बात करूँ, ये तो था अपना 9वां, एक मिनट समझना आप। 10वें की अपन अगर बात करें जो है 85 का स्क्वायर, है ना बच्चे। देखो यहाँ नंबर लेना है 8, 8 तो एज इट इज लिखना है, लेकिन 8 का एक ज़्यादा एक अधिक मतलब 9, ठीक है, ऑब्लिक जो लास्ट वाला 5 है उसका स्क्वायर। ये बात अब समझ में आ गई होगी, ये 5 ये वाला 5 नहीं है, मतलब 4 से एक ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया अपना 4 × 5 = 20, 20, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। तीसरी बात एक और है बच्चे, इसमें कोई 1 डिजिट 2 डिजिट का कोई इशू नहीं, एज इट इज आंसर आएंगे। मतलब ये मत सोचना कि 5 लिखूंगा 2 को इधर भेजूंगा, नहीं, इसमें एज इट इज आंसर आएंगे। ऑब्लिक हटा दो, यानी कि 2025 आपका सीधा आंसर हो जाएगा, समझ पा रहे हो। बहुत सिंपल है, एज इट इज पहला नंबर लिखो, उसका एक बढ़ा के मल्टीप्लाई, ऑब्लिक लास्ट वाला जो 5 होगा उसका स्क्वायर। ऐसे ही इसको 8 × 72 यानी कि 72 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 25 बीच का ऑब्लिक हटा दो, 7 × 2 = 5, ये आपका 85 का स्क्वायर हो जाएगा, 2025 45 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बच्चे देखो 11वां, 11 115। अब ध्यान से समझना, आप ये सोच रहे होंगे कि जब 2 डिजिट होता था तब तो अपन यहाँ पर क्या लिखते थे, 1 डिजिट, हमेशा 5 को ही सेकंड कॉलम में रखना है, मतलब यहाँ सिर्फ यही आएगा, पीछे जितने भी डिजिट बच जाते हैं उसका एक ज़्यादा करना है। अगर ये 4 डिजिट होता तो भी अपन यहाँ 5 लिखते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। यानी कि 11 इसका एक ज़्यादा 12, ये ध्यान रखना है कि हमेशा सेकंड कॉलम के अंदर ओनली 5 आएगा बस, क्योंकि ये उसी में लगेगा जिसके अंदर लास्ट डिजिट 5 हो, ठीक है, ओके। इसी तरह 12वां भी साथ कर लो, वो है 125, कहने का मतलब जो सेकंड कॉलम का 5 का स्क्वायर आएगा सिर्फ, इधर क्या बचेगा फिर 12, तो 12 का एक ज़्यादा 13, ये है सिस्टम, ठीक है। एकाधिक का मतलब एक ज़्यादा, अब 11 को 12 से गुणा कर दो तो 11 × 2 = 22, 11 × 2 = 22, 2 कैरी लग गई, 11 और 2 = 13, 132, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। ओब्लिक बीच का जो भी है, इसको ओब्लिक बोल रहे हैं अपन, बच्चा कुछ बोल दो वो जाएगा, तो 13225 यानी कि 13225 आपका 115 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसकी पर अगर बात करें तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो तो 12 × 3 = 13, ठीक है, या फिर 13 से बोल दो 13 × 2 = 26, ठीक है, 2 कैरी लग गई, 2 हाँसी लग गई, 13 × 2 = 2 = 15, 156, और 5 का 25 मल्टीप्लाई कर लेना, 13 से गुणा किया है अपने हिसाब से कर लेना, कोई वो नहीं है, तो 15625 इसका यानी कि 15625 वो 125 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 115 का स्क्वायर था ये, और ये अपने जो निकाला था वो 125 का स्क्वायर था। तो ये स्क्वायर निकालने कौन सा मेथड था, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, ठीक है, जो कि आपके 4 क्वेश्चन दे रखे थे वो कंप्लीट हुए।